क्या होगा? ऑफेंसिव, इट्स रियली ऑफेंसिव। चोर को भी चोर कह दिया तो भी वो ऑफेंड हो जाता है। तो अगर किसने चोरी नहीं करी और उसको चोर कह दिया फिर तो ऑफेंस का पूछिए मत। क्या ब्रह्म संहिता में क्या आता है? लक्ष्मी सहस्त्र संभव्य सेव्यमानम, सहस्त्रों लक्ष्मियां गोलोक धाम में भगवान की सेवा में लगी हुई है। सहस्त्रों लक्ष्मियां, एक लक्ष्मी नहीं, सहस्त्रों लक्ष्मियां, फिर भी भगवान मक्खन की चोरी करते हैं ब्रज धाम में। आवश्यकता थोड़ी है उनको मक्खन की चोरी करने की। और फिर महाकाल यम आदि को भय देने वाले होने पर भी डरना और भागना, मन से भी तीव्र गति होने पर भी माता के हाथों पकड़ा जाना। माता के हाथों पकड़ना, अगर वो चाहते कि मैं ना पकड़ा जाऊं तो वो नहीं पकड़े जा सकते थे, परंतु भगवान जो है अपने भक्त के वश में हो जाता है। तभी तो अर्जुन का रथ हाका, प्रेम के वश अर्जुन रथ हाको, तभी तो भगवान ने अर्जुन का रथ हाका, क्योंकि भगवान प्रेम के वश में हो जाते हैं। तो भगवान को हमें क्या करना है? प्रेम के वश में करना है। श्री प्रभुपाद यही समझाते हैं भक्ति रसामृत सिंधु के श्लोक से कि सेवोन्मुखे ही जीवादो स्वयं एव स्फुरति यह, कि मतलब अगर हम इस जिव्या पे कंट्रोल करके दिन प्रतिदिन भगवान की सेवा में लगाएं, क्या करें, भगवान के नामों का जप, भगवान की कथाओं का कीर्तन, भगवान के नामों का कीर्तन, भगवान की कथाओं का श्रवण करें, तो क्या होगा? स्वयं एव स्फुरति, भगवान स्वयं अपने आप को हमें दे देंगे, हमें फिर भगवान के पीछे भागना नहीं पड़ेगा, फिर भगवान स्वयं अपने आप को, अपना आवरण जो है वो हमारे नेत्रों के सामने से, हमारे हृदय के सामने से हटा देंगे और भगवान हमारे लिए स्वयं प्रकाशित हो जाएंगे। तो यह है, अब थोड़ा सा ही एक्चुअली 2-3 श्लोक ही बचे हैं, तो इस अध्याय को समाप्त करके फिर अगली बार नल कुंवर के बारे में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कृष्णा बिकेम मर्सीफुल एंड अग्री टू गेट हिमसेल्फ गाइड। तो यहाँ पर यही दिखाया है कि ये सब भगवान पूर्ण काम, सहस्त्र लक्ष्मियाँ सेवा कर रही हैं, उसके बाद भी भगवान भक्त के अधीन है, भक्त के अधीन हो गए हैं। तो ब्रह्म चैतन्य चरितामृत में कहते हैं एकल ईश्वर कृष्ण और सब भक्त, भृत्य अर्थात सेवक। भगवान कृष्ण मात्र अकेले एक ही ईश्वर हैं, बाकी सब उनके सेवक हैं। भृत्य वश्यत, भगवान, परंतु भगवान भगवान होते हुए भी, ईश्वर होते हुए भी भक्त के वश में हो जाते हैं। भृत्य व्यस्यता, भगवान जो है वो भक्त के वश में हो जाते हैं। तो इस भगवान की दामोदर लीला से हमें क्या सीखने को मिलता है कि हमें भगवान से मात्र प्रेम करना है, उनकी सेवा करनी है बिना किसी उद्देश्य के। उद्देश्य यह भी नहीं होना चाहिए कि हमें आपका संग मिल जाए, बस सेवा करते जाना है, अनअलॉयड डिवोशन श्रील प्रभुपाद कहते हैं। अब यहाँ पे माता यशोदा ने भगवान को उखल से बांध दिया और माता यशोदा चली गई, भगवान वहाँ खड़े हुए हैं उखल से बंधे हुए, तो भगवान की नज़र किस पे पड़ी? दो वृक्षों पे। भगवान की नज़र दो वृक्षों पे पड़ी। अब देखिए भगवान स्वयं बंधे हुए हैं और भगवान को ये पता था कि नारद जी के श्राप की वजह से ये जो दो वृक्ष हैं ये कौन हैं? कुबेर के पुत्र नलकुबर और हाँ है मणिग्रीव, ये वो दोनों हैं। तो भगवान को ये पता था कि नारद जी के श्राप की वजह से ये वृक्ष बने हुए हैं, भगवान स्वयं बने हुए हैं और उनको बंधन से मुक्त करने की योजना बना रहे हैं। ये है भगवान की लीला।
कि स्वयं बंधन में बंधे हुए होने के बावजूद भगवान जो है किसी को भी बंधन से मुक्त कर सकते हैं। हमारा बंधन तो क्या है, जन्म मृत्यु जरा व्याधि। अगर इस बंधन से मुक्त तो सारे बंधनों से मुक्त। तो भगवान यहाँ पर अब योजना बना रहे हैं कि इन नल कुंवर को जो है नल और मणिग्रीवा को कैसे मुक्त करूं नारद जी के श्राप से। तो इस कथा का अब कथा के ऊपर चर्चा अगले संडे को करेंगे, आज यही विश्राम देते हैं। दामोदर मास में भगवान दामोदर को घी का दिया से दोनों टाइम, नहीं तो कम से कम शाम को तो ज़रूर आरती करनी चाहिए। दामोदर अष्टक गाते हैं, दामोदर अष्टक गाते हैं। और दामोदर अष्टक के विषय में या तो अगले संडे, नहीं तो पहले अगले संडे को दामोदर अष्टक के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे, क्योंकि ये कथा सुनने के बाद दामोदर अष्टक का मीनिंग बिल्कुल क्लियर हो जाता है। एग्जैक्टली दामोदर अष्टक में यही वर्णन और चित्रण है। तो दामोदर अष्टक को गाने का मजा अलग हो जाता है। जब हम लोग कथा के विषय में और चर्चा कर चुके होते हैं तो बड़ा मज़ा आता है कि हम लोग कोशिश करें तो इमेजिन कर सकते हैं कि भगवान कैसे कैसे बुखार बिंदु बना रहे होंगे, कैसे काजल फैला होगा, कैसे उनके हार हिल रहे होंगे, कैसे भयभीत होंगे, किस प्रकार कर रहे होंगे। तो इस प्रकार का हम थोड़ा अपनी मानसिक बुद्धि में डालकर कुछ सोच सकते हैं उनके विषय में। तो अगले सप्ताह दामोदर अष्टक के विषय में थोड़ी चर्चा करेंगे और उसके अगले संडे फिर नल कुंवर और मणिग्रीवा की कथा का आज ही विश्राम देते हुए श्रील प्रभुपाद की जय। श्री श्री राधा दामोदर की जय। यशोदा एवं राधा दामोदर की जय। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे।